जी सर, उसामा मलिक ये पूछ रहे हैं कि वो अमेज़ॉन में काफ़ी अर्से से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, पर जब वो मिलती है तो उसका कंपटीशन बहुत होता है। मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि मुझे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल जाए? ये असल में प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो इस पूरे प्राइवेट लेबल लॉन्च का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एक स्टेप है, और अगर आपने प्रोडक्ट से ही हंट ना की तो आपकी पूरी की पूरी इमारत जो है ना ये गिर जाएगी, क्योंकि ये सारी की सारी इमारत जो है ये प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट कितनी स्ट्रांग है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि शर्लक होम्स की मूवीज़ में या उसके नॉवेल्स में एक चीज़ होती है, वो कहते हैं जी कि फॉलो द मनी। अगर मैं आपको एक टिप दूँ कि भाई पैसा किधर है उधर जाए आप, ठीक है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि या ये परसेप्शन होता है कि जी जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो वहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरा इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ऑल्दो कि हमारी भी एक बेंचमार्क है, फॉर एग्जांपल यूके में हम कहते हैं कि जी कंपटीटिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो 1000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और यूएसए में हमारा 4000 का है। लेकिन आप ये देखें कि जिस जगह पर पैसा होगा उधर ही ज़्यादा लोग बेचेंगे, कंपटीशन भी उधर ही ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट में प्रॉफिट भी ज़्यादा है। तो सिर्फ इस वजह से कि उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैं उससे दूर नहीं भागता। तो फॉलो द मनी नंबर वन चीज़ ये। नंबर टू ये है कि आप उस प्रोडक्ट में ये देखें कि क्या वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग उसको बार बार ऑर्डर करते हैं, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो एक प्रोडक्ट ले ली और वो जो सालों तक पड़ी हुई है और कोई भी उसको जो है ना वो दोबारा ऑर्डर करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं कर रहा। ऐसी प्रोडक्ट्स के बजाय ऐसी प्रोडक्ट्स के जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक दे सकता हूँ कि ये जो आपके कमोड के जो ढक्कन होते हैं उसके जो कवर होते हैं, तो कमोड का कवर क्या है जी कि 3 महीने इस्तेमाल किया फिर ख़राब, 6 महीने बाद फिर ख़राब। इसी तरह आपके जो जो वॉशरूम के टैप्स होते हैं जो पानी खोलने के लिए होते हैं, आपको पता है कि आपने भी इस्तेमाल किया, हमने भी किए हैं, साल से ज़्यादा कोई भी नहीं चलता, साल के बाद दोबारा। ऐसी प्रोडक्ट की रनिंग चलती रहती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो ऐसी प्रोडक्ट्स में जाएँ। और इसके अलावा यह है कि आपको मैं मशवरा ये दूंगा कि आप हीलियम 10 और जंगल स्काउट का जो डेटाबेस होता है, उनका प्रोडक्ट्स का डेटाबेस होता है, उसको डाउनलोड कर लिया करें एक्सेल में, क्योंकि जो हमारे टूल्स वाला जो काम है ना वो बड़ा ख़राब काम है। उसमें इनिशियली एक तो हमारा पाकिस्तान का नेट ही नहीं चल रहा होता, बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं, फिर वो टूल्स भी शेड होते हैं, शेड होने की वजह से वो वैसे ही स्लो चल रहे होते हैं। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप ये क्या करें कि आप हीलियम 10 में जाएं, हीलियम 10 में वो पूरा प्रोडक्ट्स का डेटाबेस जो है वो एक एक्सेल फाइल में डाउनलोड हो जाता है। फिल्टर्स लगाएं, फिल्टर्स में वो चीज़ें डालें जो आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइस जो है वो 15 से 30 के दरमियान हो। अच्छा, इसके अलावा उसकी उसका कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो है वो 1000 से ज़्यादा ना हो, इस तरह के कुछ फिल्टर्स लगा के कुछ डेटा, और अपनी कैटेगरीज भी उसमें सेलेक्ट कर लें, क्योंकि अगर आप सारा डेटाबेस डाउनलोड करेंगे तो अमेज़ॉन के ऊपर तो 10 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सिर्फ अपनी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कैटेगरीज में जाएं और वहाँ से उसको डाउनलोड करें। जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद आप एक ग्लैंस में बड़ी जल्दी उनसे गो थ्रू हो जाएंगे, और जो प्रोडक्ट आपको नज़र आती है कि हाँ यार इसका तो वॉल्यूम एवरेज मंथली सेल्स बहुत ज़्यादा है, या इस प्रोडक्ट में कंपटीशन कम है, या इसमें तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा मुझे, तो उसमें से उनको आप हाईलाइट करते जाएं और उनमें से फिर आप निकालें, तो इंशाल्लाह आपको जल्दी प्रोडक्ट मिल जाएगी। मेरा मशवरा ये है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा इंटरनेट स्पीड का है पाकिस्तान के अंदर, और आपको पता ही है आजकल जो सियासी हालात चल रहे हैं उसकी वजह से भी काफ़ी ये मसाइल आ रहे हैं। तो ये था मेरा प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। बाकी आप हमारे सीखो पाकिस्तान का वेबिनार ज्वाइन करें अमेज़ॉन का, उसके अंदर भी मैंने बहुत टिप्स दी हैं इस तरह की, और उसमें फिर आपको पता चलेगा कि आप किस तरह अपना जो प्राइवेट लेबल लॉन्च है वो कैसे कर सकते हैं।